यूपी और पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के बयान पर बवाल मचा हुआ है। बीजेपी ने इस बहाने अब कांग्रेस की पोल पट्टी खोलनी शुरू कर दी है। सीएम योगी के बाद अब पीएम मोदी ने चन्नी पर जबरदस्त वार किया है। पीएम मोदी ने एक रैली के दौरान चन्नी की अच्छे से क्लास लगा दी है। बिहार और यूपी के लोगों के अपमान का मुद्दा उठाकर पीएम मोदी ने कहा कि इस बयान से संत रविदास जी और श्री गुरु गोविंद सिंह जी की धरती का अपमान किया गया है। उन्होंने कहा कि संत रविदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश और श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के पटना में हुआ था। पीएम मोदी ने आगे कहा कि पंजाब में डबल इंजन की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार का मतलब है पंजाब का तेज विकास। वहीं पीएम मोदी ने इस बार प्रियंका गांधी पर भी चन्नी के बहाने हमला बोला। मोदी ने कहा कि चरणजीत चन्नी बिहार और यूपी के लोगों का अपमान कर रहे थे, तब दिल्ली में बैठा एक परिवार इस पर ताली बजा रहा था। उधर सीएम चरणजीत सिंह चन्नी पर बीजेपी नेताओं का वार कम नहीं हो रहा है। भोजपुरी सुपरस्टार और बीजेपी नेता रवि किशन ने भी एक वीडियो के बहाने चन्नी पर हमला बोला। रवि किशन ने कहा कि चन्नी साहब ने कहा है कि बिहार और यूपी के लोगों को घुसने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि जो स्वार्थ के लालची लोग कुर्सी के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और तुष्टिकरण की ऐसी ओछी राजनीति करते हैं कि भैयों को नहीं घुसने देंगे, भैया का मतलब आप जानते हैं। रवि किशन ने प्रियंका गांधी को लेकर कहा कि चन्नी के बयान पर प्रियंका ताली बजा रही थी, वो भी बेहद दुखद है। वहीं चन्नी के बयानों को लेकर चौतरफा घेरने के बाद प्रियंका और कांग्रेस बैकफुट पर है। पहले पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने अपने बयान से यू टर्न लेते हुए कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, उनके कहने का मतलब ये नहीं था। और अब प्रियंका गांधी ने भी चन्नी का बचाव किया है। प्रियंका ने कहा कि सीएम चन्नी के कहने का मतलब ये था कि पंजाब को चलाने का काम पंजाबियों द्वारा ही होना चाहिए। चन्नी के बयान को गलत ढंग से पेश किया गया है। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी यूपी से आकर पंजाब में शासन करना चाहेगा। कुल मिलाकर देखें तो चन्नी के बयान पर हमला बोलकर पीएम मोदी ने कांग्रेस की मुसीबत बढ़ा दी है। ऐसे में पीएम मोदी द्वारा कांग्रेस पर हमला बोले जाने के बाद प्रियंका ने कहा कि पीएम तभी पंजाब आते हैं जब चुनाव करीब होते हैं, लेकिन किसान आंदोलन के दौरान उन्होंने ऐसा नहीं किया। दरअसल पंजाब में 20 फरवरी को विधानसभा चुनाव होना है, उससे पहले चन्नी का बयान कांग्रेस को पंजाब के अलावा यूपी में भी नुकसान करा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।